हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के महत्वपूर्ण एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दो कथन है, ये पहला कथन हो गया, ये दूसरा कथन हो गया। इस प्रश्न की मैं बात करूँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में 5 बार पूछा गया है। अब 5 बार पूछा गया है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दो कथन है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सही है ये पूछ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो एरो का निशान दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, जिस तरफ इसकी नोक होती है ये वाली, वो संख्या छोटी होती है, याद रखना। अब इसकी नोक किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, तो ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी, ये बड़ी होगी। इतनी बात सबको पता है। अब देखिए, चेक करिए, 11 + 7 कितना होगा, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 18 होगा। 10 + 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18, ये भी 18, ठीक है। अब देखिए, 11 × 7 कितना होता है, 77 होता है, ठीक। 10 × 8 से करेंगे कितना होता है, 80 होता है। बीच में आप इस साइन को लगा दीजिए। इस साइन का मतलब क्या है कि जिस तरफ नोक होगी वो संख्या छोटी होगी, क्लियर। 11 × 7 कितना होता है दोस्तों, 77 होता है, तो ये 77 है और नोक वाली संख्या आपकी छोटी होगी, तो 80 से 77 छोटा है या नहीं, आप कहेंगे छोटा है, तो नोक वाली संख्या छोटी है, तो पहला कथन तो सही है आपका। पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरे को चेक करते हैं, 17 को और मैं 11 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 28। 15 + 13 को जोड़ूंगा दोस्तों, ये भी 28 हो जाएगा, चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपाई, 15 × 11 से करेंगे 187 हो जाएगा, ठीक है। 15 × 13 से करेंगे 195 हो जाएगा, और बीच में क्या है, ये साइन इस तरीके का, तो जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर नोक वाली संख्या तो 195 है, इस संख्या से छोटी नहीं है, तो दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। 187 से ये छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो बड़ा दे रखा है, तो ये कथन हो गया गलत। पहला कथन सही है, जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी है, 80 से 77 छोटा है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए कथन आपका सही है। दूसरा कथन सही होता तो बी सही होता, ए और बी दोनों सही होते तो हम बोथ पे आंसर कर देते, अगर कोई भी सही नहीं होता तो नन ऑफ दिस कर देते। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपके पास दो कथन है, ये पहला कथन, ये दूसरा कथन। करने का तरीका अभी अभी मैंने आपको बताया, एक बार इनको जोड़िए, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 कितना, ये हो जाएगा 25, 7 × 3 का कितना, ये हो जाएगा 21। ये जो साइन है बीच में, इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, तो 25 से 21 छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला कथन है वो सही हो गया। पहला कथन तो सही हो गया, लेकिन हम दूसरे को भी चेक करेंगे, क्या पता दूसरा भी सही हो। तो यहाँ पर जोड़िए, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8, 5 ये भी 13 हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करो, 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 8 × 5 कितना, 40 हो जाएगा। एरो का साइन बीच में कैसा है, इस तरीके का, तो इस तरीके का साइन है, तो जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, तो 40 आपका छोटा है 42 से, तो दूसरा कथन भी सही है। पहला कथन भी सही, दूसरा भी सही, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, √15 + √7, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस साइन के बाद आपको एक ही संख्या दी गई है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हें करने का तरीका देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 15 और 7 को जोड़ेंगे, आप कहेंगे दोस्तों 22 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 22 पहले से ही दे रखा है, तो इसका योग बराबर है, बिल्कुल अभी तक जो देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है। अब यहाँ पर रूट वाली संख्या को समझ लीजिए, यहाँ पर दे रखा 2√22। हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या रूट से जब बाहर है और आप उसे रूट के अंदर भेजेंगे, इस 2 को रूट के अंदर भेजेंगे, तो ये 2 है आपका, 2 बार हो जाएगा, जैसे 2 × 2
गुने 22 तो आपका पहले से दे रखा है, ये वाला। अंदर जाके ये संख्या दो बार में मल्टीपल हो जाती है, ठीक है। कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ कि ये 3√3 लिखा हुआ है। अब मैं 3 को जब अंदर भेजूँगा तो ये हो जाएगा 3 × 3, दो बार हो गया अंदर जाके, एक बार पहले से दे रखा है, तो ये इस तरीके से हो जाता है, याद रखिएगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पर आपका जब मैंने 2 को अंदर भेजा तो दो बार में हो गया, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 22 पहले से है तो 4 × 22 हो जाएगा, तो ये 22 × 4 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 105 हो जाएगा, 22 × 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 88 हो जाएगा, बीच में साइन कैसा है ऐसा। तो जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, तो 105 से 88 छोटा है, बिल्कुल सही है। तो पहला जो आपका कथन है बिल्कुल सही है, पहला कथन। दूसरा भी चेक कीजिए, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे ये भी 22 हो जाएगा, 15 × 7 कितना होता है, 15 × 7 = 85, 17 × 25 = 85 होता है, 20 × 2 का कितना होता है दोस्तों 40 होता है। साइन किस तरीके का है, इस तरीके का। जिस तरफ नोक है वो संख्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़ी दे रखी है, 40 से बड़ी है, दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन आपका सही है, पहला कथन सही है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और पूछ रहा है इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। इनको करने का तरीका क्या है, देखिए 36 है। मैंने दोस्तों आपको एक बात बताई है कि जब भी डिवाइड का साइन हो आप उस जगह मल्टीप्लाई ले सकते हैं, लेकिन एक बार इसको देखिए, 36/6 ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों ऑफ का मतलब, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ले लीजिए, 3 ले लीजिए, बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर इतनी बात, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 है, डिवाइड का साइन है मल्टीपल का, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करें या फिर मल्टीपल को, ये चीज़ आपको अगर कन्फर्म नहीं है तो आप सवाल गलत कर देंगे। हम जो प्रश्न को सॉल्व करते हैं इनको, वो करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। क्लियर दोस्तों, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ओ का मतलब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ इसमें दे रखा है, ऑफ इसमें दे रखा है, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ को पहले सॉल्व कर लीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 6³ कितना हो जाएगा, 6³ = 18, ठीक है, ऑफ को सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया, 36/18 हो गया। फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डी का मतलब डिवाइड, अब डिवाइड को सॉल्व कर लीजिए, 18 से भाग देंगे 36 में, 18 से 36 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 2, बी ऑप्शन। डिवाइड के बाद में सॉल्व होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास में ये नियम आपको आना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन तरह के प्रश्नों में कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1+6 के ऊपर 12 आपको दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कीजिए, 1+6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को, तो 14 में डिवाइड देना 7 से, तो 7 से डिवाइड देंगे 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, अब 2 में डिवाइड देना है 2 से, तो 2 से डिवाइड देंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, हम यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस ले लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 × 4 = 20 और 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22, तो इस ब्रैकेट की पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, हमने 22 ले लिया, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 22 है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का ले लो, ऊपर 2 है 2 ले लो, बट्टे में कितना है √16, तो √16 का जो सब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई, अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में आपका, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है, 7 है, प्लस का 1 है, 1 है दोस्तों यहाँ प्लस का, प्लस का आपका कितना है 11, ठीक है,
सात और एक आठ, आठ में ग्यारह जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 19। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया सी ऑप्शन। दो से चार कटा दो बार में, दो से बाईस कटा ग्यारह बार में, तो सात प्लस एक प्लस ग्यारह कितना हो गया, 19 हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 16 बराबर क्या। सभी संख्याएं डिवाइड में दे रखी हैं, तो मैंने क्या बताया, डिवाइड को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए करके देखिए, 80 है, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/16। इसको भी मल्टीपल में चेंज कीजिए, 1/8। इसको भी चेंज कीजिए, 1/4। इसको भी चेंज कीजिए, 1/2। और मल्टीप्लाई कितना है, 16। ठीक है, कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊँगा, 16 × 25 = 80 कटेगा, पांच बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए 8 से 16 कटेगा दो बार में, 8 × 16 ठीक है कट गया। 2 से कटेगा दोस्तों 2 कटेगा, ये भी कट गया 2 से 2। अब 5 × 1 करेंगे तो ऊपर तो आपका दोस्तों कितना रहेगा, ऊपर आपका 5 ही रहेगा। नीचे बटे में भी सब संख्या कट गई, सिर्फ 4 बचा है, तो बटे में 4 रहेगा। तो 5/4 आपके प्रश्न का सही आंसर है और डी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40 × 1/3 और ये पूरी संख्या दे रखी है ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, 8 + 9 / 12 ठीक है। तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा इसका योग, 17 हो जाएगा। कर लिया, अब सॉल्व कीजिए। देखिए 40 × 1/3 ठीक है, यहाँ कितना है 15, प्लस का 11, माइनस का कितना 17, इनको जोड़ने से कितना मिला 17 ठीक है। कर लिया, अब सॉल्व कीजिए 40 × 1/3। यहाँ पर देखिए मैं 15 और 11 को जोड़ूंगा तो ये 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। 26 में माइनस करूँगा मैं दोस्तों कितने को, 17 को। 26 में से 17 घटा दूंगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 9 बचेगा। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आ गया, 9। क्लियर, 9 आ गया। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई। अब इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 40 × 3 हो जाएगा 120 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72 / 1/2 ब्रैकेट में ये पूरी संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पर दे रखा है, ब्रैकेट के ऊपर दे रखा बार, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 5 + 7 कितना हो जाएगा, 5 + 7 हो जाएगा 12 ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट करेंगे, सर ये माइनस का 5 है तो आप इसे जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बार है। तो यहाँ पर ये वाली संख्या चाहे माइनस की हो चाहे गुने की हो कुछ भी हो, पहले जिनके ऊपर बार है उन्हें सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो इनको पहले घटा के सॉल्व करते, ठीक है। तो बार को हम जब सब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान आ रहा है कितना, 12 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 72 / 1/2 ठीक है, 15 + 12 - 9 + 6 - 12 ठीक है दोस्तों। ये हमने क्या किया, लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को, 9 और 6 15 होता है, 15 में से माइनस कर दूंगा 12 है, 15 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा, 3। पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया, इसका 3 आया, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 72 / 1/2 15 + 12 - का पूरे ब्रैकेट का मान 3 आया है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व कीजिए, 15 में 12 जोड़ेंगे 27 होगा, 27 में से 3 घटा देंगे 24, तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आएगा आपका, 24 आएगा, ठीक है। तो लिखिए 72 यहाँ पर डिवाइडेड बाई है 1/2 गुने कितना है, 24 है, ठीक है। अब इसे कटाइए, मैं 2 से 24 को कटाऊंगा, ये 12 बार में कटेगा, तो 72 / 12 आएगा, ठीक है। 72 / कितना, 12 आएगा, तो 12 से डिवाइड करना आपको, 72 में कितनी बारी जाएगा, 12 × 6 = 72 6 बार। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया, क्लियर सी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आगे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।